नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शशांक और इस वीडियो में जो हम बात करने वाले हैं नाइजीरिया में जो आतंकी हमला है उस पर। करीब यहाँ पे 110 लोगों की अभी तक जान गई है, ठीक है, और लेकिन फर्दर जो है यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि ये फिगर जो है और बढ़ेंगे। तो डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को। यूपीएससी के लिए ये जो है ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है और नाइजीरिया में जो ये हमला हुआ है तो उसके बारे में जो है हम बात करेंगे। ये देखो, ये आर्टिकल है द गार्जियन का। एटलीस्ट 110 डेथ इन नाइजीरिया आफ्टर सस्पेक्टेड बोको हराम अटैक। तो बोको हराम क्या है उस पर भी जो है हम बात करने वाले हैं, ठीक है, तो डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक को। उसके पहले हमेशा की तरह एक क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज शेयर इट्स बॉर्डर विथ नाइजीरिया। तो कौन सा देश है जो नाइजीरिया से जो है अपनी बॉर्डर शेयर करता है? ऑप्शन ए है कैमरून, फिर बी है नाइजर, सी है घाना एंड फोर है रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो मैप देखो और फिर जो है नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करो, ठीक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो आपके लिए ऑनलाइन बहुत सारा मटेरियल ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ये मटेरियल दो तरीके के होते हैं। एक वो जो आपको आपके गोल तक लेकर जाता है और दूसरा वो जो आपको वहीं पर गोल 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 घुमाता रहता है। तो डिपेंड आप पर करता है कि आपको कौन सा मटेरियल चूज करना है। एमएम एकेडमी ऐप ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट के जो वीडियोज है वो देखने को मिलेंगे, जहां पर मेरे द्वारा बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए लाए जा रहे हैं, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री का कोर्स ऑलरेडी कंप्लीटली अवेलेबल है, उसी के साथ साथ पॉलिटी का कोर्स चल रहा है, एथिक्स का कोर्स चल रहा है, करंट अफेयर का कोर्स चल रहा है, और आने वाले दिनों में और भी सारे कोर्सेज जो है जैसे कि ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरमेंट, बहुत सारे कोर्सेस आपके लिए आने वाले हैं और ये कोर्सेस हाईएस्ट क्वालिटी के रहेंगे जो आपको आपकी प्रिपरेशन में काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो आप एमएम एकेडमी ऐप को डाउनलोड कीजिए और जो डेमो लेक्चर्स है उन्हें एक बार देखिए। उसी के साथ साथ आपको प्रिपरेशन में हेल्प करने के लिए जो पीडीएफ है वो भी अवेलेबल रहेगी, जहां से आप रिवाइज कर सकते हो, क्योंकि रिवीजन ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। और एमएम एकेडमी ऐप ये पहला प्लेटफॉर्म है जहां पर स्टूडेंट्स के साथ इंडिविजुअली मैं लाइव इंटरेक्ट करता हूँ, जहां पर उनके जितने भी डाउट्स होंगे भले वो एकेडमिक हो या पर्सनल हो वो सब मैं सॉल्व करता हूँ। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए एमएम एकेडमी ऐप और वीडियोस को एंजॉय कीजिए। आप मुझको फेसबुक और इंस्टाग्राम पे जो है फॉलो कर सकते हो और यहां पे जो है आप मुझको अपने डाउट पूछ सकते हो। ना देखो, एटलीस्ट 11 पीपल हैव बीन किल्ड इन दिन अटैक ऑन अ विलेज इन नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया। तो नॉर्थ ईस्ट नाइजीरिया में जो है करीब 110 पीपल की जो यहाँ पे जान गई है। बोको हरम एक जिहादिस्ट ग्रुप है, जिहादी ग्रुप है बोको हरम, और उसने जो है यहाँ पे 110 लोगों को जो है यहाँ पे मारा है। ना देखो, यहाँ पे अगर मैं बात करूँ नाइजीरिया की तो ये मैप है। अब लोकेशन देख लो कि नाइजीरिया है कहाँ पे बेसिकली। तो ये देखो, ये आपको देखेगा क्या, ये है नाइजीरिया, ठीक है। तो ये है बेसिकली नाइजीरिया, नाइजीरिया, नाइजर, चैड यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद घाना आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो काफी देश जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। नाइजीरिया गल्फ ऑफ गेना के पास में आता है, ये देखो यहाँ पे मैप, ठीक है, और गल्फ ऑफ एडन जो है यहाँ पे है। यहाँ पे अगर आप देखोगे नाइजीरिया की कैपिटल है अबूजा, नाइजीरिया की जो कैपिटल है वो है अबूजा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये देखो ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये नाइजीरिया है और उसकी कैपिटल है क्या, अबूजा। यहाँ पे आपको लीबिया मिलेगा, इजिप्ट मिलेगा, लीबिया वही है, लीबिया में ही था कौन, गद्दाफी, आपने पढ़ा होगा गद्दाफी के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे आपको अल्जीरिया मिलेगा, नाइजर मिलेगा, माली मिलेगा, यहाँ पे मॉरिशियाना मिलेगा, ठीक है। तो इस ये जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट में जो है आपको बहुत सारे देश जो है देखने को यहाँ पे मिलेंगे। ना देखो, बेसिक इन्फॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल है अबूजा, करेंसी है नाइजीरियन नेरा, पॉपुलेशन है करीब 20 करोड़ के आसपास, ठीक है, और प्रेसिडेंट है मोहम्मद बुहारी। तो ये जो है यहाँ के प्रेसिडेंट है। ना देखो, अगर मैं डेमोग्राफी की बात करूँ मतलब पॉपुलेशन की, तो पॉपुलेशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे करीब 50% लोग हैं जो मुस्लिम को फॉलो करते हैं, 40% लोग हैं जो क्रिश्चियन हैं, और करीब 10% लोग हैं जो इंडिजीनियस बिलीफ करते हैं, ठीक है। वेल, यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि सबसे ज़्यादा आपको मुस्लिम की जो है आपको देख रही होगी डोमिनेंस, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे जो हैं ग्रुप हैं। देखो, अफ्रीका में आपको मैं बता दूं तो हर जगह पे जो है अलग अलग टेररिस्ट ग्रुप जो है यहाँ पे इस्लामिस्ट ग्रुप हैं, मिलिटेंट इस्लामिस्ट जो ग्रुप है यहाँ पे काम कर रहे हैं, जो एक्टिव है बिल्कुल, ठीक है। ये देखो, कई अटैक भी यहाँ पे हुए, जैसे केनिया में अल हिजाज, तो ये जो है एक यहाँ पे चलता है, सोमालिया में अल शबाब, तो ये चलता है, इजिप्ट में आप देखोगे तो अंसर अल इस्लाम और जुदा इस्लाम, तो ये चलता है, लीबिया में आप देखोगे तो अंसर शेर लीबिया, ठीक है, ट्यूनिशिया में अगर देखोगे तो उक्सबा, और माली और बुर्किना में आप देखोगे तो बेसिकली यहाँ पे जामा नुसरत असलाम मुस्लिम लीग। नाइजीरिया में अगर आप देखोगे तो सबसे ऊपर आपको बोको हराम देखेगा, फिर जो है इस्लामिक स्टेट वेस्ट देखेगा,
फिर अफ्रीका आपको एक विलायक ये मिलेगा, और फिर है गर्भ अफ्रीका। तो बेसिकली ये जो है काफी ग्रुप्स जो है यहाँ पे चलते हैं, ये एक्टिव मिलिटेंट ग्रुप है अफ्रीका में, ठीक है। जैसे हमारे यहाँ तालिबान, आपने देखा होगा तालिबान के बारे में, ठीक है। और फिर जो एक और था, उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा उस ग्रुप का, ठीक है। तो बेसिकली बहुत सारे ग्रुप जो हैं आपको भारत में भी देखने को मिलेंगे जो टेररिस्ट ग्रुप हैं। ना देखो यहाँ पे हुआ क्या है, बात करते हैं सबसे पहले बोको हरम की। तो ये बिल्कुल कन्फर्म है, यहाँ पे बोको हरम ने करीब 110 लोगों को जो है मारा है, ठीक है। अब ये 110 लोग कौन थे, ये कहाँ से कहाँ जा रहे थे, इन पर हम जो है बात करेंगे। तो उसके पहले जो बोको हरम को समझ लो कि बोको हरम एक ग्रुप है क्या। तो ये इस्लामिक स्टेट है वेस्ट अफ्रीका का, ठीक है। वैसे कल ही मैं आपसे अगर बात बोलूं तो यहाँ पे आप ये समझ लो कि अफ्रीका में, अफ्रीका की जो गवर्नमेंट है, मतलब नाइजीरिया की जो गवर्नमेंट है, उनके अब उनका उतना कंट्रोल नहीं है, ठीक है ना, जो प्रोविंस है वहां पे, क्योंकि कुछ प्रोविंस में जो है ये जो है कब्जा करके रखे हुए हैं। तो वहां पे जो है इनकी गवर्नमेंट की नहीं चलती, इनका ही है जो पूरा एरिया है ना। देखो यहाँ पे इस्लामिक स्टेट्स वेस्ट अफ्रीका प्रोविंस जो है, जिसको हम जमा अल सुना लिद्दा के नाम से जो है जाना जाता है, ठीक है, इसको कॉमनली जो है बोको हरम के नाम से जाना जाता है। ये जो है ग्रुप है, ये एक जिहादिस्ट ग्रुप ऑर्गेनाइजेशन है जो नॉर्थ ईस्टर्न नाइजीरिया में आपको देखने को मिलेगी। उसके साथ जो है ये एक्टिव है चैड में, नाइजर में, और नॉर्दर्न जो है कैमरून में। तो यहाँ पे आप देखो इस मैप में, तो यहाँ पे आपको मिलेगा ये चैड, यहाँ पे आपको मिलेगा कैमरून, ठीक है, यहाँ पे साउथ सूडान, और यहाँ पे जो है नाइजर। तो ये जो है देश आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, और यहीं पे जो है ये जो ग्रुप है यहाँ पे एक्टिव है ना। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो हुआ क्या है एक्चुअली, तो ये आपको नाइजर का मैप दिख रहा होगा, ठीक है। अब नाइजर का मैप में यहाँ पे आपको दिख रहा होगा अबूजा। तो ये देखो ये नाइजर का अगर मैप आप मान लो, तो इधर तक जो कंट्रोल गवर्नमेंट का है, लेकिन नॉर्दर्न का जो एरिया है नाइजीरिया का, तो यहाँ पे जो है बेसिकली कंट्रोल किसका है, तो ये जो है गवर्नमेंट का कंट्रोल है, इनकी जो गवर्नमेंट है बेसिकली उनका कंट्रोल नहीं है, बल्कि जो बोको हरम है, बोको हरम का यहाँ पे जो है कंट्रोल है। बाकी सदर्न पार्ट में जो है अबूजा वाले एरिया में, यहाँ पे गवर्नमेंट का कंट्रोल है। यहाँ पे हो क्या रहा था कि बहुत ही ज्यादा गरीब लोग थे, बहुत ही ज्यादा गरीब फार्मर थे बिल्कुल, ठीक है, वो यहाँ से जो है माइग्रेट हो रहे थे, कहाँ से, नॉर्दर्न एरिया में जा रहे थे कि कहीं कुछ काम मिले या कुछ करें वो। लेकिन वो सदर्न से जो है बेसिकली नॉर्दर्न नाइजीरिया का जो रीजन है वहां पे जो है ये ट्रेवल कर रहे थे। तो जब ये माइग्रेट हुए तो उन्होंने जो है एक, उनको एक आदमी मिल गया जो बोको हरम का था, ठीक है ना। बेसिकली ये बुक नहीं, बोको हरम है। और ये जो बोको हरम का मैन है, इसने क्या किया, उनको जो है बेसिकली धमकाना शुरू कर दिया और उनको जो है ब्लैकमेल करने लगा। तो उन पीपल ने क्या किया, उस पीपल ने उसको पकड़ा और उसको जो है मारा, ठीक है, और बंदी बना लिया। लेकिन जब ये बात जो है लोगों को पता चली, जो बोडो हरम के लोग हैं उनको, तो उनके ग्रुप को जब पता चली, तो बोडो हरम की जो है बहुत सारी गाड़ियां आई, और जब उनको न्यूज़ मिली तो यहाँ पे बहुत सारी गाड़ियां एकदम से वो लेके आए और उनने जो है किलिंग करना शुरू कर दिया। तो उन्होंने सीधे जो है मारना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे करीब बहुत सारे पीपल जो है मारे गए, मैन वुमेन सभी मारे गए हैं, और 110 लोग की जो है अभी तक जान गई है। वेल बेसिकली मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो है इन फ्यूचर ये फिगर्स जो है बिल्कुल इंक्रीज होंगे, क्योंकि अभी जो है और जो है अभी शिनाख्त चल रही है, ठीक है ना, और भी एविडेंस जो है यहाँ पे देखे जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो है ये हुआ है। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात होती है गवर्नमेंट के स्टेप की, कि कोई भी आतंकवादी हमला होता है तो उसकी देश की सरकार क्या कर रही है। अब बात करते हैं देश की सरकार की, तो यहाँ पे नाइजीरिया की अगर आप बात करोगे, तो यहाँ पे स्पोक्स पर्सन जो है वो सीधे ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है उन जो लोग मारे गए हैं उनके पास कोई परमिशन नहीं थी कि वो उस एरिया में जो है चले जाएं। वेल बेसिकली देखिए, गवर्नमेंट एक एरिया नाइजीरिया है, पूरा देश है, तो पूरे में जो है लोगों का कंट्रोल है, लोग तो कहीं भी आ जा सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे गवर्नमेंट खुद ये बोल रही है कि यहाँ पे इन लोगों के पास परमिशन नहीं थी कि ये जो है नॉर्दर्न एरिया में चले जाएं। यहाँ पे बहुत सारी कंट्रीज जो है उन्होंने कंडेम किया है, जैसे यूएसए है, फ्रांस है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे भारत ने अभी तक जो है, भारत की कोई स्टेटमेंट अभी तक नहीं समझ में आई है ना, उन्होंने कोई स्टेटमेंट अभी दी है। वेल यहाँ पे भारत और नाइजीरिया को समझ लो कि भारत और नाइजीरिया के बीच का रिलेशन कैसा है। तो काफी देखो अफ्रीकन कंट्रीज से भारत का जो है काफी अच्छा ट्रेड है, ठीक है, और अफ्रीकन कंट्रीज में जो है तेल वगैरह काफी होता है, क्रूड ऑयल, ठीक है ना, गैस। यहाँ पे भारत और नाइजीरिया के जो है रिलेशन बहुत ही अच्छे हैं, ठीक है, और नाइजीरिया जो है यहाँ पे बहुत सारे रिजर्व भी है नाइजीरिया के पास, और इंडिया का जो है लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर भी कौन सा है, नाइजीरिया। तो अप्रॉक्स जो है करीब 13 से 14 मिलियन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिलेंगे, इतने डॉलर जो है, इतने डॉलर का ट्रेड जो है आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा 2019 के हिसाब से। ना देखो हम आते हैं वापस अपने क्वेश्चन पे कि कौन सी कंट्री है जो बॉर्डर जो है शेयर करती है नाइजीरिया के साथ। तो यहाँ पे इस मैप में देखो नाइजीरिया के साथ जो है ये नाइजीरिया है, ठीक है, उसकी बॉर्डर जो है कैमरून से लग रही है। तो ये देखो ये है,
ये नाइजीरिया का एरिया है पूरा, ठीक है। यहाँ पे कैमरून से लग रही है, यहाँ पे बेनिन से लग रही है, और बेसिकली कैमरून से लग रही है। चैड यहाँ पे जो है थोड़ी दूर है बेसिकली, तो चैड यहाँ पे नहीं लगता है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहला देश तो कैमरून ही है, तो कैमरून बिल्कुल सही आंसर है, ठीक है। दूसरा हम देखते हैं घाना, तो घाना काफ़ी दूर है, तो घाना तो गलत हो जाएगा, ठीक है। नाइजर, तो नाइजर जो है बिल्कुल सही है, देखिए यहाँ पे दिख नहीं रहा मगर नाइजर जो है वो यहाँ पे है, ठीक है। तो नाइजर जो है ये भी बिल्कुल सही है, यहाँ पे देखो इस मैप में आपको बिल्कुल क्लियरिटी मिलेगी। ये देखो नाइजर, ये नाइजीरिया है, ये नाइजर है, यहाँ पे कैमरून है, ठीक है। तो ये जो है बिल्कुल सही आंसर इसका होगा, क्या इसका आंसर होगा, नाइजर और कैमरून। तो घाना भी नहीं होगा, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो भी नहीं होगा, ठीक है। तो करेक्ट आंसर होगा ए और बी। हाँ देखो कमेंट करो कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए। भारत की सरकार ने अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है भारत की सरकार की तरफ से, ठीक है। ऊपर से जो दूसरी जगह की सरकार है जहाँ आतंकवादी हमला हुआ है, वो खुद ये बोल रहे हैं कि यहाँ पे जो है ये गलत जाना, वहाँ पे जाना नहीं था, वो एरिया जो है भारत मतलब नाइजीरिया की सरकार का नहीं था, ठीक है। मतलब नाइजीरिया का वो एरिया नहीं है, उनके पास परमिशन नहीं थी बेसिकली, यहाँ पे जो है इस तरीके की स्टेटमेंट आ रही है। तो देखना चाहता हूँ कि आपका व्यू क्या है, ठीक है। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको जो है यहाँ पे बहुत जानने